नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास कार्यक्रम एक नजर इधर में भी, जिसमें हम आपको सामाजिक मुद्दों से रूबरू कराते हैं जिससे शासन और प्रशासन मौन बैठा है और जनता जूझ रही है। रायसेन अस्पताल में गुस्साए परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल मरीज को आधे घंटे तक इलाज नहीं मिलने के चलते उसकी मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने तोड़फोड़ कर हंगामा किया। वहीं डॉक्टरों संग मारपीट भी की। तो वहीं डॉक्टरों का कहना है कि डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना आम होती जा रही है, जिसके चलते जिला अस्पताल में पुलिस चौकी होनी चाहिए। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि मामले को लेकर वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए, जहां थाना प्रभारी ने उनके साथ बदतमीजी की, जिसके चलते उन्होंने अस्पताल में काम करना बंद कर दिया। वहीं डॉक्टरों ने थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की है, जिसके बाद रायसेन कलेक्टर और SP की समझाइश के बाद डॉक्टरों ने बात मानते हुए मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। तो वहीं SP ने डॉक्टरों को आश्वासन देते हुए ज्ञापन देने को कहा है। मेरे मामा जी की घबराहट हो रही थी, हॉस्पिटल लेके आए, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर साहब नहीं मिले और जहाँ पे लाके लिटाए, लिटाते ही खेम और कोई देखभाल नहीं हुई, मेरे मामा जी की दम टूट गई। तो कितनी देर तक डॉक्टर नहीं आए? कम से कम करीबन आधे घंटा पौन घंटा टाइम हो गया था, कोई देखभाल नहीं हुई, ना किसी ने कोई डॉक्टर ने देखा, ना कोई डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, और बस हम लोग दौड़ भाग करते रहे, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई हॉस्पिटल के अंदर। आपने पर्चा बनवाने के बाद कहाँ गई थी और डॉक्टर मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले, पर्चा बनवाने के बाद डॉक्टर भी नहीं मिले थे। 9:11 पे प्रताप सिंह सुंदरलाल उम्र 60 वर्ष को उनके परिजनों द्वारा लाया गया था। मेरे द्वारा चेकअप करने पर मृत अवस्था में लाने पर उसकी जानकारी उनके परिजनों को दी गई। परिजनों को जैसे ही जानकारी दी गई, उसका लड़के को अचानक चक्कर आके गिर गया, तो तत्काल हमने उसकी पर्ची बना के तुरंत उपचार इंजेक्शन बॉटल वगैरह सभी लगाए थे उसको, है ना। लगभग 9:30 पे हमने डिक्लेयर डेट करके उनको सभी जानकारी दे दी गई थी। इस बीच तक किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं हुआ था। 9:45 पे मुझे ICU में कॉल आने पे मैं देखने गया, इसी बीच जब मैं ICU के हेतु गया था, इसी बीच में उनके परिजनों द्वारा अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। देखिए, मैं तो अभी घर पे था, मुझे जैसे ही मालूम हुआ कि यहाँ पर कुछ गदर हो रहा है, मैं आया यहाँ पर, तो ये पता चला कि एक प्रताप सिंह, जिनकी आयु लगभग 60 वर्ष है, पठारी से लाए गए थे उपचार के लिए, परंतु हमारे जो डॉक्टर साहब यहाँ पर ड्यूटी पे थे, उनके द्वारा परीक्षण करने पर उनको मृत पाया गया था, अर्थात वो यहाँ पर मृत अवस्था में लाए गए थे। और मुझे यही बात मालूम चला कि बाद में उनके साथ जो लोग उनके परिजन आए थे, उन लोगों ने यहाँ पर जो है धूम मचाना, गदर करना शुरू कर दिया था। इस बीच हमारे डॉक्टर हेमंत गुप्ता जो ड्यूटी पर हैं, उनको एक कॉल आया था ICU से, तो वहाँ एक बहुत ही सीरियस पेशेंट था, उसको देखने चले गए थे। इस बीच में उन्होंने यहाँ पर गदर करना शुरू किया और यहाँ पर हमारा जो एक कांच के फ्रेम लगे हुए हैं, सेक्शन बने हुए हैं, उसमें उन्होंने तोड़ फोड़ करके और काफी सारे कांच तोड़ दिए हैं। शासन में मरीज तोड़फोड़ की घटना की गई, इस घटना को लेकर के डॉक्टर थाने गए थे FIR कराने। इनका आरोप है कि थाना प्रभारी द्वारा मिसबिहेव किया गया, हमने इनका ज्ञापन ले लिया है, इसकी जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करेंगे। देखिए, कल रात को दो लोग थे जो गंभीर रूप से घायल थे, यहाँ हॉस्पिटल में आए, उसमें से जो एक व्यक्ति दूसरे को लेके आया, जब उसको यहाँ लेके आया तो उसकी यहाँ पर डेथ ऑलरेडी हॉस्पिटल में लाने के पहले ही हो चुकी थी, मतलब वो मृत अवस्था में यहाँ पर आया था। एक डॉक्टर साहब यहाँ पर थे, वो कहीं दूसरी वार्ड में किसी पेशेंट को देख रहे थे इमरजेंसी में, जो हमारे सब इंस्पेक्टर तुरंत जैसे उनको सूचना मिली, एक सब इंस्पेक्टर साहब तत्काल आ गए, वो डॉक्टर साहब को बुला के लाए इमरजेंसी से। उन डॉक्टर साहब ने देखा और कहा कि एक व्यक्ति तो मृत हो गया है। जैसे उनने ये कहा, उनके साथ के कुछ परिजन आए, उन्होंने कांच वगैरह यहाँ तोड़ा फोड़ कर दी और डॉक्टर साहब के साथ भी धक्का मुक्की हुई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता पवन सिलावट जुड़ गए हैं। पवन, रायसेन से मामला सामने आया था, जहां पहले परिजनों ने तोड़फोड़ की मरीज की मौत के बाद, उसके बाद डॉक्टरों ने दोबारा काम शुरू कर दिया है, पर क्या कुछ ताजा अपडेट है? ये आपको बता दूं, रात्रि में 9:30 जब पठारी ग्राम से लोग प्रताप सिंह को हॉस्पिटल लेके आए, तो आधे घंटे डॉक्टरों का इंतजार करते रहे जी। आधे घंटे के बाद प्रताप सिंह की मौत हो गई। मौत के दौरान परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा किया जी।
हंगामे के बाद तोड़फोड़ भी हुई हॉस्पिटल में, कई मामले सामने आए। इसके बाद डॉक्टरों ने क्या अपना पलड़ा झाड़ा और कहने का है कि इसकी मौत पहले ही हो गई, हॉस्पिटल आने से पहले हो गई, जबकि परिजनों का कहना है कि आधे घंटे हॉस्पिटल में इंतजार करते रहे, डॉक्टर नहीं पहुंचे मौके पर। जी पवन, पूरे मामले में किसी एक की लापरवाही सामने नहीं आई है, पहले ग्रामीणों का आक्रोश, परिजनों का आक्रोश और ऊपर से अस्पताल की लापरवाही और उसके बाद में थाना प्रभारी की बदतमीजी, आखिर जिम्मेदार कौन पूरे मामले का? इसमें देखा जाए तो हॉस्पिटल पे जो डॉक्टर हैं वो जिम्मेदार देखे जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आधे घंटे पहले इलाज हो जाता तो प्रताप की मौत नहीं होती और ना इस ये बात पुलिस तक पहुंच पा रही थी। परिजन और डॉक्टर क्यों जाते थाने में इतना विवाद करने के लिए? पवन बिल्कुल, इसमें डॉक्टरों की गलती साफ देखी जा रही है, पर कानून हाथ में लेना ये भी सही नहीं है। अभी ज्ञापन देने की जो बात कही गई है, क्या कुछ उस पर कार्रवाई की जाएगी? ज्ञापन देने की बात तो की गई है, एसपी कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, इसके बाद जो कार्रवाई होगी, अधिकारी तो यही कह देते हैं कि जो कार्रवाई होगी देखी जाएगी, इस पर तुरंत निर्णय कुछ नहीं किया जाता, ये शासन के देखा जाता है। पवन, इस पूरे मामले में जिनके परिजन की मौत हो गई है उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांगे हैं उनके? परिजनों का इस पर कहना है कि हमारे परिजन की मौत डॉक्टरों की लापरवाही और यहाँ नहीं होने से हुई है, उनकी मांग को लेकर अब उन्होंने एसपी या कलेक्टर साहब से ये मुद्दा रखेंगे। अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, जो कुछ कहेंगे वो एसपी या कलेक्टर से कहेंगे। पवन, इस अस्पताल में क्या इससे पहले भी कोई इस तरह का मामला सामने आया है जहां डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक मरीज की मौत हो गई हो? ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जी, रायसेन सिविल अस्पताल में छप्पर बिल्डिंग गिरने से भी कई घटना हो चुकी है और भी लोग मारे जा चुके हैं डॉक्टरों की सिर्फ लापरवाही नहीं होने की वजह। पवन, यहां पर मैं आपको रोकना चाहूंगी और अब हमारे साथ में डॉक्टर आलोक राय हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आलोक जी, डीएनएन में सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है आलोक जी? आलोक जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायसेन के। आपको बता दें कि अस्पताल से इलाज ना मिलने के चलते एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने तोड़फोड़ किया अस्पताल में और जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि जिसके बाद डॉक्टरों ने अस्पताल में ताला लगा दिया और जिसके बाद ये पूरा मामला एसपी के पास पहुंचा, जहां एसपी ने डॉक्टरों को आश्वासन देते हुए ज्ञापन देने की बात कही है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं जब डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते मरीजों की जान गई हो। तो आपको बता दें कि आज एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया। आपको बता दें कि जब डॉक्टर्स इस पूरे मामले की एफआईआर लिखवाने थाने पहुंचे तो थाना प्रभारी ने डॉक्टर्स के साथ में बदतमीजी की। तो पूरा मामला रायसेन का है जहां गुस्साए डॉक्टरों ने काम करने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि यह पूरा मामला कल शाम का है जहां परिजन एक मरीज का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में इलाज न मिलने के चलते मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और साथ ही डॉक्टर्स के साथ भी मारपीट की, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टर थाने पहुंचे जहां थाना प्रभारी ने डॉक्टर्स के साथ में बदतमीजी की, जिसके बाद गुस्साए डॉक्टर्स ने अस्पताल में ताला लगा दिया। और आपको बता दें कि ये पूरा मामला जब एसपी के पास पहुंचा तो एसपी ने डॉक्टर्स को आश्वासन देते हुए, और अब हमारे साथ में डॉक्टर विनोद सिंह जुड़ गए हैं। विनोद जी, सबसे पहले आपका डीएनएन में बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। ये जो रायसेन से मामला सामने आया है जहां परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की है, जिसके बाद आप भी थाना पहुंचे थे शिकायत दर्ज कराने, पूरा मामला आपसे जानना चाहूंगी। क्या हुआ था कि कल रात को 9:15 के लगभग एक मरीज को, जिसका नाम प्रताप सिंह था, उसको लेके आया था, लाए गए थे, जो कि डेड लेके आए थे, मतलब वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा था। तो डॉक्टर हेमंत गुप्ता की ड्यूटी थी, उन्होंने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में एक नए दूसरे मरीज की आईसीयू में तबीयत खराब हो गई, तो वो डेड डिक्लेयर करके आईसीयू में दूसरे मरीज को देखने चले गए।
इस दौरान उसके परिजनों ने, मरीज के परिजनों ने क्या किया कि वहाँ पे तोड़फोड़ कर दी, हमारे इंजेक्शन रूम को तोड़ दिया पूरा, और वहाँ पे सारे स्टाफ को डराने धमकाने लग गए, गालियां बकने लग गए। और इस बात को शिकायत लेके हम सुबह हमारे यहाँ के सारे सीनियर डॉक्टर थाना गए थे और कि FIR दर्ज कराएंगे, तो थाना प्रभारी ने जो है हमारे सीनियर डॉक्टरों के साथ बदतमीजी करी और हमें बाहर भगा दिया। इस बात को लेके हम लोगों ने अस्पताल बंद किया था, हड़ताल करी थी, जिसके बाद कलेक्टर सर और SP मैडम आई, उन्होंने बदबोला कि हम TI के खिलाफ जांच करवाएंगे एवं आपके यहाँ पर हॉस्पिटल में वो पुलिस चौकी बनवाएंगे इस शर्त पर, और आपकी FIR भी लिखी जाएगी। इस शर्त पे हम लोगों ने हड़ताल खत्म कर दी। विनोद जी, कहीं ना कहीं आपको भी समझना होगा कि डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, पर वही आप लोगों ने अस्पताल में ताला लगा दिया, इससे कई और जाने भी जा सकती थी। मैम, इतना तो हमने भी ध्यान रखा था, हमने हम लोग वहीं पर थे और हमने डॉक्टरों को, एक डॉक्टर को वहीं पे अलग से छोड़ दिया था कि अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी आती है तो किसी भी मरीज की जान नहीं जानी चाहिए, ऐसा तो हमने किया था, हम भी ख्याल रखते हैं मैडम। पर विनोद जी, एक बात जो और भी सामने आई है कि इससे पहले भी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते कई जाने जा चुकी हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं मैम, आप ये कैसे कह सकते हैं कि अस्पताल की लापरवाही के लिए जांच करवाई जा रही है? जी, जो पहले एक मरीज की मृत्यु थी वो डेंगू की वजह से हुई थी, उसका प्लेटलेट काउंट 20,000 था। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, 20,000 प्लेटलेट काउंट में जान बचाना कितना मुश्किल होता है। विनोद जी, कहीं ना कहीं तो कमी होगी ना, तभी ये सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, उसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए आप क्या कुछ प्रयास करेंगे? मैम, हम तो पूरी तरह से अभी भी तैयारी कर रहे हैं, पहले भी हमसे सबसे पहले बताएं तो अभी तक हमने कोई गलती नहीं करी है। जो भी शिकायत आती है उसकी जांच करवाई जाती है, उसके बाद में CMHO ये लोग जांच करवा के और फिर एक्शन लेते हैं, अभी तक तो ऐसा कोई जांच में रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, विनोद जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे। तो हमारे साथ में डॉक्टर विनोद सिंह जुड़े हुए थे, जिनका कहना था कि डॉक्टर्स की तरफ से कोई लापरवाही नहीं की गई है और मामले की जांच की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि SP ने पूरे मामले को लेकर ज्ञापन देने की भी बात कही है। तो आपको बता दें कि पूरा मामला रायसेन का था, जहां डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते मरीज की जान चली गई। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सिवनी जिले के लखनादौन तहसील के करीब 1,000 क्षेत्रीय किसान और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को तहसील परिसर में आंदोलन करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी है। किसानों का आरोप है कि अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 225 गरीब आदिवासी किसानों के खाते से करीब 67,50,000 का घोटाला सामने आया है। तो आपको बता दें कि किसान लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं और साथ ही अफसरों पर 67,50,000 रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय कमलनाथ मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा किया हुआ था अपने मैनिफेस्टो में कि जो आदिवासी भाई है उनके क्षेत्र में जो व्याप्त समस्याएं हैं उनको तात्कालिक समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने जेवर का जो घोषणा किया था कि साहू किसान से अब उन्हें जेवर से छुटकारा मिलेगा, जो कर्ज माफी है उससे छुटकारा मिलेगा, लेकिन उसके एवज में किसी प्रकार का उनकी कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा। अपील करते हैं कि इन तमाम मांगों को पूरा किया जाए, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अभी हम आने वाले अनिश्चितकालीन धरना के दौरान नेशनल हाईवे पर बड़ा चक्का जाम कर मध्य प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी संदेश देना चाहते हैं कि हमें हमारी मांगों को पूरा किया जाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता राजकिशोर पाठक हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजकिशोर, ये जो सिवनी से मामला सामने आया है, आदिवासियों के खाते से 67,50,000 रुपए का घोटाला किया गया है, क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानना चाहेंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? राजकिशोर से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि पूरा मामला सिवनी का है, जहां पर किसान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपको बता दें कि 225 गरीब आदिवासी किसानों के खाते से करीब 67,50,000 रुपए का घोटाले का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिसके चलते किसान कई सालों से
सरकार से मांग कर रहे थे, जिसके बाद मांगे पूरी न होने पर किसान अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। आपको बता दें कि किसानों के खाते से करीब 67,50,000 रुपए का घोटाला हुआ है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिवनी की हैं। आपको बता दें कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भूख हड़ताल पर बैठी। आपको बता दें कि 225 किसानों के साथ में 67,50,000 रुपए का अधिकारियों ने घोटाला किया था, जिसके बाद सभी किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए। और आपको बता दें कि इससे पहले भी कई नेता और अधिकारियों से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा चुके हैं, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं होती, जिसके चलते अब किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो आपको बता दें कि सिवनी जिले के लखनादौन तहसील के करीब 1,000 क्षेत्रीय किसान और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी है। किसानों का आरोप है कि अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और आपको बता दें कि 225 गरीब किसानों के खाते से करीब 67,50,000 रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। इससे पहले भी ग्रामीण किसान कई बार नेता अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं होती, जिसके चलते अब किसान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने पर मजबूर हो गए हैं। पूरा मामला सिवनी का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगभग 1,000 के लगभग किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं। और अब हमारे साथ में किसान स्वराज सिंह बघेल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। स्वराज जी, सबसे पहले आपका डीएनए न्यूज में बहुत स्वागत है। जी थैंक यू जी। आदिवासी किसानों के खातों से जो 67,50,000 रुपए के घोटाले का जो मामला सामने आया है, आप लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, पूरा मामला आपसे समझना चाहूंगी। देखिए जी, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए जी, तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसानों के नए और पुराने 2,00,000 रुपए तक के कर्ज माफ करने का वादा किया गया जी। लेकिन सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने जी किसानों को धोखा किया है जी। किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है, और जो 50,000 तक का कर्जा माफ करने के लिए जो प्रमाण पत्र बांटे गए हैं जी, वो भी झूठे हैं जी। बैंकों से किसानों को आज नोटिस आ रहे हैं कर्जा जमा करने के लिए जी। सोसाइटियों से खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहे हैं, सोसाइटी नोटिस दे रहे हैं कि आप पहले पुराना कर्जा जमा करें जी। इसीलिए किसान आक्रोशित हैं और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम 27 तारीख से क्योलारी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। इसके बाद भी अगर सरकार हमारा और हमारी किसानों की जो न्यायपूर्ण मांग है जी, अगर वो पूरी नहीं की जाती जी, तो जिला मुख्यालय में और समस्त पूरे जिला के किसानों के साथ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। स्वराज जी, क्या आप अपनी मांगों को लेकर इससे पहले भी किसी के आगे गुहार लगा चुके हैं, नेता या अधिकारी, किसी से बात किया आपने इससे पहले? अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, सरकार के नुमाइंदों से भी बात कर रहे हैं, प्रभारी मंत्रियों से बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आता। जब आप उनके आगे गुहार लगाते हैं तो क्या कुछ आपको जवाब मिलता है वहां से? उनका कोई गोलमोल जवाब है, करेंगे समय आने पे करेंगे, इंतजार करिए बाद में करेंगे जी। तो इस तरह से किसानों को बार बार वो गुमराह कर रहे हैं। अब आपके किसानों के सामने बस एक ही रास्ता है, करो या मरो। स्वराज जी, अब आपकी सरकार से क्या कुछ मांगे हैं जी? अब आपकी सरकार से क्या कुछ मांगे हैं? हमारी सरकार से मांगे हैं जी कि जो 2,00,000 तक का कर्जा किसानों का माफ करने के लिए वादा किए थे कमलनाथ जी ने जी, वो किसानों का कर्जा माफ करें जी। और जैसे पूर्ववर्ती स्वराज जी की सरकार थी जी, और जो विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से मक्का सोयाबीन की खरीदी होती थी जी,
वो भी मक्कड़ सोयाबीन का रजिस्ट्रेशन कराया जाए जी। और विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से किसानों का मक्का और सोयाबीन की खरीदी की जाए। जी स्वराज जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ में जुड़े हुए थे किसान स्वराज सिंह बघेल। उनका कहना है कि कमलनाथ सरकार ने किसानों के साथ में धोखा किया है। 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करने की जो बात कही थी वो वादा पूरा नहीं किया है, जिसके चलते सभी किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं और साथ ही मांगे पूरी ना होने को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिवनी की, गोंडवाना की है। आपको बता दें कि सिवनी गोंडवाना स्वतंत्र पार्टी और किसानों ने मिलकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि किसानों का आरोप है कि कमलनाथ सरकार ने किसानों के साथ में वादा खिलाफी की है और इससे पहले भी कांग्रेस सरकार झूठे वादे करके सत्ता में तो आ गई पर अब अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि किसान का यह भी कहना है कि किसान जो प्रमाण पत्र किसानों को बांटे गए थे वो भी छूटे हैं और अब आगे ना तो किसानों को लोन मिल रहा है और ना ही किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। तो आपको बता दें कि किसानों का आरोप है कि अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कमलनाथ सरकार ने झूठे वादे किए थे जो अब वो वादे पूरे नहीं कर रही है, जिसके चलते किसानों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि किसानों 67,50,000 का घोटाले का और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता राजकिशोर पाठक हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजकिशोर, 67,50,000 रुपए का जो घोटाले का आरोप लगाया है किसान से भी बात हुई, जिनका कहना है कि कमलनाथ सरकार ने झूठे वादे किए थे, बाकी ये 67,50,000 रुपए का क्या कुछ मामला है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लखनादौन विधानसभा का मामला है। ये किसानों के खाते में 67,50,000 रुपए आना था, लेकिन वो जानकारी में है कि उनको जो मोटर पंप दिए जाने थे और मोटर पंप के एवज में जो किसानों को पैसा मिलना था वो पैसे से किसान स्वयं अपनी मोटर पंप खरीदता, लेकिन बैंक मैनेजर और कुछ लोगों की मदद से उनके विड्रॉल भरवा लिया गया और उनसे उनके खाते से पैसे निकाल लिया गया। यह जानकारी जा तक है बैंक मैनेजर से लेकर सभी सभी अधिकारियों को है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जिसको लेते हुए लखनादौन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और किसानों ने भूख हड़ताल की है और यदि उनका कहना यह है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई और उनकी 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 जो राशि है उनको नहीं मिलती है तो वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जी जी राजकिशोर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार कर्ज माफी को लेकर लाख दावे कर ले पर जमीनी स्तर पर सारे वादे फेल नजर आते हैं। आपको बता दें कि किसानों ने कमलनाथ सरकार पर झूठे वादे का आरोप लगाया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार लाख दावे करती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। पूरा मामला पखांजूर के कोयली बेड़ा के ग्राम पंचायत का है, जहां लोग वास्तविक में कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। उन्हें ना तो पौष्टिक आहार मिल पा रहा है और ना ही आंगनवाड़ी केंद्र की सुविधा। इस गाँव में ना तो कुपोषित बच्चों का पंजीयन किया जा रहा है और ना ही शिशुवती माताओं की जानकारी किसी आंगनवाड़ी केंद्र में दाखिल की गई है। माताओं को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है, जिससे लगातार कुपोषित बच्चों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार कलेक्टर और महिला बाल विकास अधिकारियों को आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की शिकायत की है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने कोई सुध नहीं ली। आपको बता दें कि इस गांव में 300 से अधिक की आबादी है, जिसमें 38 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता विप्लव कुंदू जुड़ गए हैं। विप्लव, सरकार लाख दावे कर रही है कुपोषण को दूर करने की, बावजूद इसके कि 38 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार है। पूरा मामला पखांजूर का है, क्या है तब और जानकारी बता देना चाहता हूँ। कुपोषण से लड़ने सरकार लाखें दावे कर रहे हैं, पर हकीकत यह है कि जो लोग वास्तविकता में कुपोषण का शिकार हो रहा है, न तो उन्हें पौष्टिक आहार समय पर मिल पा रही है और न कि यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र का सुविधा भी मिल पा रही है।
ये अपने पखांजी से महज 110 किलोमीटर किसों को ग्राम पंचायत बड़पाड़ा की घटना है, जहाँ से मैं 300 आबादी वाले गांव में एक साथ 38 बच्चा जो कि कुपोषण का शिकार बना हुआ है। सोचने वाली बात है, ऐसा सुना गया है क्षेत्र में कोलेबरा ब्लॉक में किसी गांव में एक दो बच्चे कुपोषण का शिकार होता है। पिछले एक माह में एक ही गांव में सीताराम तरफ 4 बच्चे को इस कुपोषण से मृत्यु हो गया था जी। लेकिन सरकार इस पे कोई पहल नहीं कर पा रही है और ना ही उक्त गांव में कुछ स्वास्थ्य शिविर लगा के इस कुपोषण बच्चों का स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है जी। विप्लव, 300 की आबादी में 38 बच्चे कुपोषण का शिकार, एक बहुत बड़ा आंकड़ा अब सामने आया है। अब जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, जिम्मेदारों से जब बात किया तो उनका कहना है कि भारी बरसात के कारण हम नदी नाला उफान पर आ गए थे, जिस कारण हम गांव नहीं जा पाए हैं। अभी बारिश थमी है तो 21 तारीख से हम इस कुपोषण बच्चों को जी विप्लव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला पखांजूर का है, जहां पोषण से लड़ने के लिए सरकार लाख दावे कर रही है, पर जमीनी स्तर पर इन सब वादों की पोल खुलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि पखांजूर की कोयली बेड़ा के ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला है, जहां 300 की आबादी का गांव है, जिसमें से 38 बच्चे कुपोषण का शिकार है। तो आपको बता दें कि 10% से ज्यादा, एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया है, जिसमें 38 बच्चे कुपोषण का शिकार है। उन्हें ना तो पौष्टिक आहार मिल पा रहा है और ना ही आंगनवाड़ी केंद्र की सुविधा, और इस गांव में ना तो कुपोषित बच्चों पंजीयन किया जा रहा है और ना ही शिशुवती माताओं की जानकारी किसी आंगनवाड़ी केंद्र में दाखिल की गई है। और अब हमारे साथ में विधायक अनूप नाग जुड़ गए हैं। अनूप नाग जी, सबसे पहले आपका डीएनएन में बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद जी। ये जो पखांजूर से मामला सामने आया है, जहां 300 की आबादी वाला गांव है और 38 बच्चे कुपोषण का शिकार है, क्या कुछ कहेंगे? इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कोई लापरवाही की बात नहीं है जी। हमारी सरकार और मैं स्वयं हम अपने विधानसभा क्षेत्र में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जो कुपोषण जी से दूर होने के लिए, दूर भगाने के लिए जो कदम उठाए हैं जी, उसके चलते हम लोग भी युद्ध काम कर रहे हैं। अभी तो ऐसे कुपोषण के शिकार के जो परिवार के जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो चिन्हांकित हो रहे हैं और निश्चित से इनको भी दूर करने का हमारी सरकार का प्रयास सफल होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि इन सब में सुधार होगा। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ में जुड़े हुए थे विधायक, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कुपोषण को दूर करने के कई प्रयास कर रही है और वो प्रयास सफल होंगे और इन सब में सुधार होगा। तो हमारे खास कार्यक्रम एक नजर इधर में भी फिलहाल के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए सामाजिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।